हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे तीन ऐसी ट्रिक्स के बारे में जिससे कि आप जल्दी कंसीव कर सकते हैं, यानी कि जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप कुछ महीनों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, तो अगर कुछ महीने पास हो जाते हैं, बार बार पीरियड आ जाता है, तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हर महीने हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि शायद आपकी बार पीरियड रुक जाए, पीरियड मिस हो जाए और हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। बिल्कुल मन में ऐसी उम्मीदें लेके हम चलते हैं, लेकिन फिर पीरियड आता है और बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है उस कंडीशन में। तो आज इस वीडियो में जो तीन ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके द्वारा आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने में, जल्दी प्रेग्नेंट होने में हेल्प मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं प्रेग्नेंट होने से रिलेटेड, जिससे कि मुझे लगा कि कुछ पर्टिकुलर कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और कुछ पर्टिकुलर कॉमन कंफ्यूजन्स हैं जो लेडीज के मन में रहते हैं प्रेग्नेंट होने को लेकर। एक जो प्रॉब्लम है वो भी इन्हीं ट्रिक्स के साथ रिलेटेड है। तो पहली जो पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि कुछ लेडीज के मन में और कुछ कपल्स के मन में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि जब जब भी वो सेक्स करते हैं तो जो सिमेन होता है वो बाहर आ जाता है और इस वजह से उन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये समस्या काफी लोगों के साथ होती है। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जो सिमेन बाहर आता है उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, ये सभी के साथ होता है। और जो स्पर्म्स आपके होते हैं वो ऑलरेडी आपके जो वेजाइना में जो फ्लूइड्स रिलीज होते हैं जब आप रिलेशन बनाते हैं उस टाइम पे, उसमें वो ट्रैवल करके आपके ऊपर की तरफ, आपके यूट्रस और आपके फेलोपियन ट्यूब की तरफ वो ट्रैवल ऑलरेडी कर जाते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि रिलेशन बनाने के बाद जो फ्लूइड है व्हाइटिश कलर का, जो थिक फ्लूइड होता है या जो सिमेन होता है एक्चुअली में, और फीमेल के बॉडी फ्लूइड्स भी मिक्स्ड होते हैं उसमें, तो वो बाहर आ जाता है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होती है। क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे जो फीमेल के जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, वेजाइना है, यूट्रस वगैरह है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उससे भी जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको ऊपर को ट्रैवल करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि जो एग होता है फीमेल का वो तो फेलोपियन ट्यूब में रहता है, तो वहां तक स्पर्म्स को यानी कि शुक्राणुओं को ट्रैवल करना होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं रिलेशन बनाने के दौरान, ये हेल्प करते हैं स्पर्म्स को ऊपर की ओर ट्रैवल करने के लिए। जो फ्लूइड बाहर निकल जाता है वो कोई टेंशन की बात नहीं होती है, जो स्पर्म्स को अंदर जाना होता है वो ऑलरेडी जा चुके होते हैं। लेकिन मेरी फर्स्ट जो ट्रिक जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो इसी चीज से रिलेटेड है। जनरली जब IVF वगैरह किया जाता है या IUI किया जाता है, तो वहाँ पे भी पेशेंट्स को, लेडीज को बोला जाता है कि एक बार वहाँ आपका इंसेमिनेशन हो गया या आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो गया आपके यूट्रस के अंदर, उसके बाद एकदम से उठने को नहीं बोला जाता है, कुछ टाइम तक लेटे रहने को बोला जाता है, करीब 15 मिनट तक लेटे रहना चाहिए। तो उसी तरीके से आप लोगों को भी जो पहली ट्रिक मेरी है वो ये है कि अगर आपको प्रेगनेंसी फास्ट कंसीव करनी है, कुछ महीने हो गए हैं और नहीं हो रहा है कंसेप्शन, तो ये चीज आप जरूर ट्राई करके देखें कि जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हैं उसके बाद तुरंत आप वॉशरूम ना जाएं और एटलीस्ट 15 मिनट तक वहां पर आप लेटे रहें। तो ये जो प्रक्रिया होती है इस तरीके से थोड़ी देर तक रेस्ट करने की, थोड़ी देर तक अपनी बॉडी को हॉरिजॉन्टल ही रखने की, इससे थोड़ी जो स्पर्म्स हैं उनको ऊपर को फेलोपियन ट्यूब की तरफ ट्रैवल करने को थोड़ी हेल्प मिल सकती है। अगर हम थेरेटिकली या लॉजिकली सोचे तो ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा और कंसेप्शन के चांसेस ज़रूर बढ़ेंगे। इसलिए कई डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि जब आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो वहाँ पे आप रिलेशन बनाने के बाद एटलीस्ट 15 मिनट तक लेटे रहिए, तो आपको काफ़ी हेल्प इसमें मिलेगी। तो ये तो थी हमारी पहली ट्रिक। अब हम दूसरी ट्रिक की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास काफी आता है, जो मेरी दूसरी ट्रिक है, वो इसी से रिलेटेड है। एक कंफ्यूजन लोगों के मन में है, कपल्स के मन में है, जो कि वो पूछते हैं कि अगर हमें प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करनी है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेक्स करने की। क्योंकि कई जगह, कई आपने इंटरनेट पर भी पढ़ा होगा और यूट्यूब वीडियोज में भी देखा होगा कि कहते हैं कि आपको अपने फर्टाइल विंडो में ऑल्टरनेट डेज पे सेक्स करना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम कई लोगों को आती है, वो ये है कि एक तो ये नहीं पता रहता है कि हमारा फर्टाइल विंडो कौन सा है, हमारा ओव्यूलेशन डे कब होता है, एक तो ये चीज नहीं पता होती है। दूसरा, कई लोगों के साथ ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है कि उनके पीरियड्स इतने इरेगुलर होते हैं कि वो अपना जो, अगर उन्हें पता भी है मेथड कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अपना ओव्यूलेशन डे या अपना फर्टाइल पीरियड, तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पीरियड्स ही इतने इरेगुलर होते हैं।
तो ये भी समस्या आती है। तीसरा क्वेश्चन जो उनके माइंड में रहता है वो ये है, क्या सिर्फ फर्टाइल विंडो में ही रिलेशन बनाना है या उसके अलावा भी रिलेशन बना सकते हैं? अगर उसके अलावा रिलेशन बनाएंगे तो क्या प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत आएगी? फर्टाइल विंडो में एक दिन छोड़कर ही रिलेशन बना सकते हैं? अगर रोज रिलेशन बनाएंगे तो क्या ये बेटर होगा प्रेग्नेंट होने के लिए या इससे प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? तो ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली इसी चीज से रिलेटेड हैं कि क्या फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए सेक्स करने की। तो सबसे पहले मैं आपको फर्टाइल विंडो के बारे में बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि महीने में केवल 5-6 दिन ही ऐसे होते हैं जिनमें जब आप सेक्स करते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये डेज कौन से होते हैं? अगर जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे आप 14 डेज माइनस कर दें, यानी कि जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन है उसमें से अगर आप 14 माइनस कर दें तो आपको वो डे मिलेगा जिस दिन की आपका ओव्यूलेशन होता है। मान लीजिए आपकी 30 दिन की साइकिल है, यानी कि हर 30 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो 30 में से आपको 14 माइनस करना होगा, आपको क्या नंबर मिला? 16। यानी कि जो आपका लास्ट पीरियड का फर्स्ट डे था जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी पीरियड की, उससे अगर आप काउंट करेंगे तो 16th डे वो डे होगा जिस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। अब ओव्यूलेशन के 5 दिन पहले से आपको प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करना स्टार्ट कर देना चाहिए, यानी कि रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए और ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद तक रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं डेज में रिलेशन बनाना है, इसके अलावा अगर आप और डेज में रिलेशन बनाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी प्रेग्नेंट होने में? प्रॉब्लम कोई नहीं होगी, आप उसके अलावा भी बिल्कुल रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन ये जो फर्टाइल विंडो है 5-6 दिन का, ये आपको मिस नहीं करना है अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो। अब अगली चीज जो लोग के मन में रहती है कि क्या इसमें ऑल्टरनेट डेज ही सेक्स करना होता है, यानी कि 1 दिन छोड़ के ही करना होता है, या रोज भी कर सकते हैं, और कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए, पहले ये जरूर बोला जाता था कि ऑल्टरनेट डेज करना चाहिए, ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताई जाती है, यानी कि कम से कम ऑल्टरनेट डेज तो करना ही चाहिए। आप रोज भी कर सकते हैं रिलेशन बना सकते हैं, दिन में 2 बार भी बना सकते हैं रिलेशन, इससे आपके जो चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के वो बढ़ेंगे ही, कम नहीं होंगे। ये जो नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, ये जो लेटेस्ट रिसर्चेस कुछ इधर के इयर्स में हुई हैं उनमें ये नई बात सामने आई है कि जितने ज्यादा आप फ्रिक्वेंटली इंटरकोर्स करते हो स्पेशली फर्टाइल पीरियड में, उतने आपके चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है। और जो ऑल्टरनेट डेज बताया जाता है वो खाली एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी बताई जाती है कि कम से कम इतना तो आपको करना ही है। तो ये मेरी दूसरी ट्रिक है आपके लिए कि आप फर्टाइल विंडो को एक तो अपने जानिए और उस फर्टाइल विंडो में जितने फ्रिक्वेंटली आप सेक्स करेंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस प्रेग्नेंट होने के बढ़ जाते हैं। अब उन लेडीज के बारे में बात कर लेते हैं जिनके की पीरियड्स जो हैं काफी इररेगुलर हैं, उनको पता नहीं रहता है कि क्या किस डेट को पीरियड आ जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो मेरी टिप है, जो ट्रिक है जो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आपको अपना एग्जैक्ट फर्टाइल विंडो नहीं पता है तो आपको अपना पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको यूटिलाइज करना होगा, यानी कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज आप पूरे मंथ रिलेशन बनाइए। रोज बनाने की आपकी फ्रीक्वेंसी है तो भी बहुत अच्छा है, आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस उससे और बढ़ेंगे। लेकिन कपल टू कपल ये वेरी करता है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि वो क्या फ्रीक्वेंसी अपनी रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपको अपना फर्टाइल विंडो नहीं पता है तो एटलीस्ट आपको ऑल्टरनेट डेज यानी कि 1 दिन छोड़ के पूरे महीने ही रिलेशन बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब भी आपका ओव्यूलेशन होगा तब शुक्राणु आपके अंदर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स में अवेलेबल रहेंगे और वहां आपकी प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। लेकिन एक और चीज है जो ध्यान रखनी चाहिए जिनके इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, कि अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं, यानी कि 35 डेज से भी ज्यादा का गैप हो जाता है आपके 2 पीरियड्स के बीच में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक संभावना ये रहती है कि शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो ये पीसीओडी की प्रॉब्लम के साथ हो जाता है, थायराइड हार्मोन के प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाता है। तो इसके लिए आप थोड़ा अपना इन्वेस्टिगेशन अगर करा लें, अगर आपके बहुत इरेगुलर हैं पीरियड्स तो थोड़ी जांचें करा लें, एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा लें बेसिक सा, और अपने जो T3 T4 TSH लेवल्स हैं वो चेक करा लें। एटलीस्ट इतना तो आप करा ही सकते हैं। और अगर आपको ट्राई करते करते 1 साल से ऊपर हो जाता है और प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है, और अगर आपकी एज 35 ईयर्स से ज्यादा है और 6 मंथ्स तक आपने ट्राई कर लिया और प्रेगनेंसी आपकी नहीं ठहरी है, तब तो आपको कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेनी चाहिए, आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जरूर मिलना चाहिए
उसमें आपकी कुछ जांचें कराना जरूरी हो जाता है ताकि आपको एक पर्टिकुलर टारगेट करके ट्रीटमेंट दिया जाए, यानी कि जहां प्रॉब्लम है उस चीज को टारगेट करके आपको ट्रीटमेंट दिया जाए, तब आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक। अब हम बात कर लेते हैं अपनी तीसरी ट्रिक के बारे में। कई लोगों को, कई लेडीज को ये नहीं पता होता है कि फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं या मेंटल स्ट्रेस अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैं बहुत सारी लेडीज को ऐसी जानती हूँ जिनका कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब था, जो अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी थी और प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। बहुत ट्राई किया, ट्रीटमेंट लिया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। उसके बाद जब उन्हें अपने जॉब से ब्रेक लेना पड़ा किसी कारणवश, तो वहां पे जब उन्होंने ब्रेक लिया और उनको मेंटल रिलैक्सेशन मिला, स्ट्रेस का लेवल कम हुआ, तो उन्होंने कंसीव कर लिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपना करियर छोड़ दीजिए या अपने जॉब पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन स्ट्रेस मत लीजिए। क्योंकि ये एग्जाम्पल बताने का मेरा कारण यही है कि कई बार प्रेगनेंसी इस वजह से नहीं हो पाती कि अगर आपका मेंटल एग्जर्शन बहुत ज्यादा हो रहा है या आपकी लाइफ में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है। किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो सकता है, कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका मेंटल और इमोशनल लेवल पे आप हेल्दी नहीं है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है जिसकी वजह से लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, यानी कि जो लेडीज बहुत ज्यादा जिम कर रही हैं या बहुत ज्यादा विग्रेस एक्सरसाइज कर रही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अदरवाइज, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा जो स्ट्रेन लेने वाली एक्सरसाइजेस होती हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस होती है, वो बिल्कुल आपको बंद कर देनी चाहिए। लिटरली यस, बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है, बेड रेस्ट नहीं करना है। ऑब्वियसली बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपना जो डेली रूटीन है, घर के काम है, वो सब कर सकते हैं, लेकिन हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है आपको। अगर एक्सरसाइज करनी ही है, और जरूर करनी चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज तो जरूर करनी चाहिए, तो एटलीस्ट आधा घंटे का ब्रिस्क वॉक, यानी कि तेज तेज वॉक करना सबसे सेफ एक्सरसाइज होती है। इसको आप अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। अगर आपको जिम का शौक है, एक्सरसाइज का शौक है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, बाद में आपको बहुत मौके मिलेंगे करने के। लेकिन अभी जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपनी ये फिजिकल एक्टिविटीज जो है ये बंद कर दीजिए, अपना स्ट्रेस लेवल जो है उसको कम कीजिए। इससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादातर लोग समझते नहीं है। तो तीसरी ट्रिक हमारी यही थी कि आप अपना मेंटल लेवल पे एक्जर्शन और फिजिकल लेवल पे एक्जर्शन, उसको दोनों को कम कीजिए, तो आपके कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।